हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर NTPC की तरफ से एक लेटेस्ट रिक्वायरमेंट जारी कर दी गई है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के फ्रेंड्स, और ये आप लोग के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का पोस्ट आया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2022 थ्रू गेट, और गेट के स्कोर के माध्यम से फ्रेंड्स आप लोग का सलेक्शन होने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट ने 2022 में गेट क्वालिफाई किया है, गेट में अच्छा स्कोर किया है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा खासा मौका है NTPC में जॉब प्राप्त करने का एज ए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो इलेक्ट्रिकल में 280, बहुत ही ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल में 280, मैकेनिकल में तो उससे भी ज़्यादा 360 वैकेंसी दोस्तों। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन बोल दीजिए, इसमें 164 वैकेंसी है। सिविल में 30 वैकेंसी है और माइनिंग में भी 30 वैकेंसी है, तो बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है और वो भी गेट के माध्यम से। तो आइए हम लोग वीडियो को पूरा देखते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके, और चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को हर अपडेट और सही जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में क्या मांगा जा रहा है। क्वालिफिकेशन में आप लोग का फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी /AMIE विथ नॉट लेस देन 65% मार्क्स। तो यहाँ पर AMIE जो लोग डिस्टेंस से बीटेक करते हैं, AMIE का मतलब हो गया, जो फ्रेंड्स जो डिस्टेंस से बीटेक करते हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं, और आपका मिनिमम 65% मार्क्स होना अनिवार्य है एज पर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट /यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। 55% चाहिए किनको, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, और UR EWS और OBC के लिए 65%। कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यानी गेट का फुल फॉर्म हो गया ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2022, यानी गेट 2022 में आप लोग अपेयर होना अनिवार्य है। ए कैंडिडेट विथ द प्रिस्क्राइब्ड डिग्री आइडेंटिफाइड फॉर द डिसिप्लिन एज गिवन बिलो कैन ओनली अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ EET एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो आइए हम लोग क्या क्या मांगा जा रहा है यहाँ पर डिसिप्लिन में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रिस्क्राइब्ड फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग। तो ये आप लोग किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में। फिर आपका मैकेनिकल के लिए क्या मांगा जाए, तो मैकेनिकल /प्रोडक्शन/इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, /थर्मल/मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन/पावर इंजीनियरिंग। अगर आप लोगों ने इतना भी कोई ब्रांच से बीटेक किया है तो आप लोग मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इसी तरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग के लिए भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन/इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल यहाँ पर इसके लिए। फिर आपका सिविल के लिए है तो सिविल/कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, और माइनिंग में सिर्फ माइनिंग का लिया जा रहा है। वहीं हम लोग एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मैक्सिमम एज होना चाहिए 27 साल, और जो SC ST OBC को छूट मिलता है वो तो आप लोगों को मिलेगा ही फ्रेंड्स। UR के लिए मैक्सिमम एज 27 साल। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें हम लोग तो एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर एंड क्वालिफाइड गेट 2022। कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन गेट 2022 परफॉर्मेंस। ठीक है, 2022 के आप लोगों जो भी मार्क्स आया गेट में उसके परफॉर्मेंस पर आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट इज एडवर्टाइजमेंट। फर्दर कैंडिडेट विल बी एक्सटेंडेड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू मीटिंग द एडवर्टाइजमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्लीज नोट दैट ओनली गेट मार्क्स ऑफ 2022 विल बी वैलिड फॉर EET। तो ये 2022 का ही मांगा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 2022 में बैठे हैं गेट के स्कोर क्वालिफाई किए हैं तो लोग ही सिर्फ एलिजिबल हैं, ठीक है। और आप लोगों को गेट के स्कोर पर ही शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हो सकता है मे भी इंटरव्यू भी लिया जाए। यहाँ पर इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। फिर आपका गेट 2022 पेपर एज डिटेल बिलो, यानी गेट आप लोगों ने क्या किया है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अ एडवर्टाइजमेंट बाय NTPC। आपका कॉरस्पॉन्डिंग गेट का कोड होना चाहिए EE इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए ME, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए EC, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए IN, सिविल इंजीनियरिंग के लिए CE और माइनिंग के लिए MN होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल में 280 वैकेंसी है, तो किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है।
तो UR में बहुत ज़्यादा सीट है 172, EWS 19, OBC में मात्र 36 सीट है, SC में 35 सीट है और ST में 18 सीट है दोस्तों। उसी तरह मैकेनिकल में देख लेते हैं, तो मैकेनिकल में टोटल 360 वैकेंसी है, जिसमें UR के लिए 205 वैकेंसी है, EWS के लिए 21 वैकेंसी है, OBC के लिए 51 वैकेंसी है, SC के लिए 59 वैकेंसी है और ST के लिए 24 वैकेंसी है। फिर हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 164 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 164, UR के लिए 76 वैकेंसी है, EWS के लिए 14 वैकेंसी है, OBC के लिए 43 वैकेंसी है, SC के लिए 24 वैकेंसी है और ST के लिए 7 वैकेंसी है। उसी तरह फिर सिविल में 30 वैकेंसी है मात्र, जिसमें UR के लिए 14 वैकेंसी है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 8 पोस्ट है, SC के लिए 4 पोस्ट है और ST के लिए 2 पद है। फिर आपका माइनिंग में देख लेते हैं, तो माइनिंग में टोटल 30 पद है, जिसमें UR के लिए 11 फिक्स है, EWS के लिए 3, OBC के लिए 8, SC के लिए 5 और ST के लिए 3 वैकेंसी है। फिर आप लोग का कंपनसेशन पैकेज, यानी आप लोग का जॉब लग जाता है तो आप लोग को क्या क्या मिलेगा, कितना सैलरी मिलने वाला है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन पे स्केल 40,000 से लेकर 140,000 एट द बेसिक पे ऑफ 40,000 E1 ग्रेड के अंतर्गत। आप लोग को 40,000 पे मिनिमम बेसिक पे है, उस हिसाब से आप लोग को 40,000 से लेकर 140,000 तक मिलने वाला है। फिर द अदर बेनिफिट्स सच एज डियरिंग अलाउंस, अदर प्रोसिक्यूटिव एंड अलाउंसेज, टर्मिनल बेनिफिट्स ETC विल बी एडमिनिस्ट्रेबल एज अ कंपनी रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्लैश आफ्टर एब्जॉर्बेशन। जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है आप लोग को बता दिया गया है। फिर आप लोग को प्लेसमेंट फ्रेंड्स, द सेलेक्टेड कैंडिडेट, एक साल का आप लोग का ट्रेनिंग होगा, अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोग को एक साल का ट्रेनिंग लिया जाएगा। फिर आप लोग को ट्रेनिंग के बाद, एक साल के बाद आप लोग को इंडिया में यानी कंट्री में कहीं भी पोस्टिंग मिलने वाला है, ठीक है। फिर वहाँ पर आगे देख लेते हैं हम लोग कब तक फॉर्म भर सकते हैं। आप ही देखिए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर मान के चलिए आप लोग का सलेक्शन हो जाता है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट हु बिलोंग टू जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा आप लोग दोस्तों, 5 लाख का बॉन्ड बहुत ही बड़ा होता है। फिर उसके अलावा SC ST हैं, PWD हैं, तो 2.5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। 3 साल तक आप लोग को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। कंपनी फॉर एट लीस्ट 3 ईयर्स आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, यानी 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 3 साल का आप लोग को जॉब मिनिमम करना होगा। अगर आप लोग बीच में छोड़ कर जाते हैं तो जो EWS, OBC और UR से बिलोंग करते हैं उनको 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 2.5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग का फॉर्म कब तक भरा जाएगा। तो फॉर्म आप लोग का लास्ट डेट है 11 नवंबर तक, 11 नवंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट है। और फॉर्म फ़ी की बात करें तो फॉर्म फ़ी लग रहा है मात्र 300 रुपया, ठीक है। तो आप लोग को पूरी जानकारी मिल गई होगी आशा करता हूँ। और इसके अलावा कोई और प्रश्न है, कोई और क्वेश्चन है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर बेल आइकन को, ताकि आप लोग को हर अपडेट और सही जानकारी मिल सके। और इस PDF को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर हर अपडेट, जितना भी इम्पोर्टेंट PDF, इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।